तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पाठ 22, मानव का पाचन तंत्र। इसमें हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो बच्चों, हमारी आहार नाल में तीन तरह की पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। पहली कहलाती है लार ग्रंथियां, दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय। बच्चों, सबसे पहले हम लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम लार ग्रंथि को देखें तो उसकी पोजिशन देखें, तो मैं देखो यहाँ पर एक चित्र बना रही हूँ। ये हमारा होठ है और ये निचला जबड़ा, ये कान। तो अब पोजीशन देखना आप, यहाँ पर हमारी जिव्या उपस्थित है, ये ठीक है। तो देखो, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो पहली जीभ के ठीक नीचे उपस्थित होती है यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर उपस्थित होती है और तीसरी यहाँ पर कान के ठीक आगे की तरफ उपस्थित होती है। तो बच्चों, ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में उपस्थित होती हैं। तो ये जो है जीभ के नीचे जो स्थित होती है, इसको हम कहते हैं सबलिंगुअल या अधो जिह्वा। जीभ के नीचे स्थित, ये जो निचले जबड़े में स्थित है, इसको हम कहते हैं सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर, या हिंदी में इसको कहते हैं अधो जंभ। और तीसरी जो कान के ठीक आगे स्थित है बच्चों, ये कहलाती है कर्ण पूर्व। तो ये तीन ग्रंथियां, तीन जोड़ी ग्रंथियां, तीन दाईं तरफ और तीन बाईं तरफ लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में उपस्थित होती हैं। बच्चों, लार ग्रंथियां जो लार निकालती हैं, वो एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है और इस क्षारीय तरल पदार्थ में बहुत सी चीजें जैसे जल, टाइलिन, टाइलिन यानी कि एमाइलेज एंजाइम, लाइसोजाइम, श्लेष्मा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि आदि के आयन्स पाए जाते हैं। ये जो बच्चों एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है, ये एक पाचक एंजाइम है और ये पाचन करता है हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च उपस्थित होता है। तो ये स्टार्च का पाचन, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा जो ये लाइसोजाइम है बच्चों, ये हमारे मुख में भोजन के साथ में अगर हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं तो ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो ये थी डिटेल हमारी लार ग्रंथि की। अब आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को, जो है यकृत। यकृत जो है बच्चों, इसका हम अगर भार देखें तो लगभग 1.2 से 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो इसका भार होता है। और अगर हम इसकी चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई की बात करें, तो ये लगभग लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा चौड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। और ये डायफ्राम के ठीक नीचे हमारे शरीर में थोड़ी दाई ओर स्थित होती है। यकृत में बच्चों दो पालियां पाई जाती हैं। ये बड़ी पाली दाई तरफ स्थित होती है, इसको हम कहते हैं दाई पाली। और बच्चों ये है छोटी पाली जो बाई तरफ स्थित है, ये यकृत की बाई पाली कहलाती है। इन दोनों पालियों के अतिरिक्त, ये दोनों पालियां तो बच्चों हमें एंटीरियर इसका जो पोर्शन है वहां पे हमें दिखाई देती है। अगर हम यकृत का पोस्टीरियर व्यू देखें तो पोस्टीरियर व्यू में हमें इन दो पालियों के अलावा दो और लोब्स दिखाई देती हैं, दो और पालियां दिखाई देती हैं। इनके नाम क्या क्या हैं बच्चों? इनके नाम है, पहली पाली कहलाती है क्वाड्रेट और दूसरी पाली कहलाती है कॉर्डेट, CAUDATE। तो ये दो पालियां और उपस्थित होती है। तो इस तरह से यकृत में कुल चार पालियां दिखाई देती हैं। आगे बात करते हैं तो यकृत की ये के जो दाई पाली है, उसके निचले हिस्से में आपको ये इस तरह की थैले के समान संरचना दिखाई देती है बच्चों। ये है हमारा पित्ताशय, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। इस पित्ताशय के अंदर, यकृत के अंदर जो पित्त रस का उत्पादन होता है, पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत के अंदर बनता है, बाइल जूस। पित्त रस को क्या कहते हैं? बाइल जूस। वो इस थैली में एकत्रित होता है और यहाँ से फिर ये जो बाइल डक्ट है, इसके द्वारा यह ग्रहणी में खुल जाता है।
ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये दो नलिकाकार ये दो नलियां दिखाई दे रही हैं, एक दाई पाली से आ रही है और एक बाई पाली से आ रही है। ये कहलाती हैं हिपेटिक डक्ट्स या यकृत वाहनियां। और ये दोनों जो यकृत वाहनियां हैं, ये एक कॉमन सामान्य एक जगह आकर जुड़ गई है, इसको हम कहते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट या सामान्य यकृत वाहनी। ये सामान्य यकृत वाहनी इस पित्ताशय की वाहनी के साथ में, इसको हम कहते हैं पित्ताशय की वाहनी या सिस्टिक डक्ट, ठीक है, सिस्टिक डक्ट या पित्ताशय की वाहनी। तो इस पित्ताशय की वाहनी या सिस्टिक डक्ट के साथ में ये सामान्य यकृत वाहनी जुड़ जाती है और मिलकर ये बनाती है बाइल डक्ट या पित्त वाहनी। और ये पित्त वाहनी पित्त रस को कहाँ पे ड्रॉप करेगी, हमारी ग्रहणी में ड्रॉप कर देगी, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारे यकृत की संरचना। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, जहां पर ये जो पित्त वाहनी है ग्रहणी में खुल रही है, वहां पर बच्चों एक अवरोधनी उपस्थित होती है या एक कपाट पाया जाता है, जिसको हम इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, यानी ओडाई की अवरोधनी या इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था यकृत की बाह्य संरचना। अब यकृत की हम बात करेंगे क्रियात्मक इकाई की। तो बच्चों ये जो यकृत है, ये वास्तव में बहुत सारे यकृत लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है। लोब्यूल्स यानी कि पालियां, इसके दाई और बाई पाली के अंदर बहुत सारी पालियां उपस्थित होती हैं। तो देखें इन यकृत की जो पालिकाएं हैं या लीवर लोब्यूल्स है, उनकी संरचना कैसी होती है बच्चों। तो देखो ये हमें कुछ इस तरह से षटकोणीय आकार दिखाई देता है, इस तरह की यकृत लोब्यूल्स की संरचना होती है। इसके बिल्कुल केंद्र में, हर लोब्यूल के बिल्कुल केंद्र में सेंट्रल वेन उपस्थित होती है, केंद्रीय शिरा, ठीक है, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय शिरा उपस्थित होती है। और इसके हर कॉर्नर पे, ये जितने 6 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें तीन, हर कॉर्नर पे हमें 3 वाहिनियां दिखाई देती है। ये क्या क्या होती हैं, देखिए इनमें से एक होती है यकृत धमनी, और यकृत धमनी क्या करती है, ये ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर आ रही है, ओके। दूसरी कहलाती है यकृत निवाहिका शिरा। ये जो यकृत निवाहिका शिरा है बच्चों, ये लेकर आ रही है ब्लड, जिस ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, पोषक पदार्थ प्रेजेंट है। तो ये न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को लेकर आ रही है। और जो तीसरी ये हमें वाहनी दिखाई देती है, ये जो है ये कहलाती है पित्त वाहनी की, पित्ताशय की वाहनी। ये पित्ताशय की ओर गॉल ब्लैडर की ओर जाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं पित्ताशय की वाहनी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में ये 3 वाहनियां उपस्थित होती हैं, और ये तीनों मिला के, ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिला के एक तंत्र बनाती हैं, जिसको कहते हैं निवाहिका त्रिक। निवाहिका त्रिक 3 है ना, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, निवाहिका त्रिक, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करती हैं और इसकी आंतरिक संरचना हमारे लोब्यूल की कैसी होती है। तो यकृत के लोब्यूल्स के अंदर बच्चों ऐसी पॉलीहेड्रल बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं हिपेटिक सेल्स। ये कोशिकाएं इस तरह से पूरे यकृत के अंदर अरेंज होती हैं, ठीक है। तो ये सब जगह ऐसे अरेंज है सेल्स, इसको हम ऐसे पूरे लोब्यूल के अंदर बना सकते हैं। अब ये जो सेल्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं, तो इनके बीच में
बच्चों बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये वास्तव में रिक्त स्थान है और ये रिक्त स्थान कहलाता है यकृत की कोटरियां। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिनुसॉइड्स। और ये हमने क्या बनाया, इनके सबके अंदर आप एक एक केंद्रक बनाओगे सारी कोशिकाओं के अंदर, ये है हमारी यकृत की कोशिकाएं। ठीक है, इनको हम कहते हैं हिपेटोसाइट्स। अब ये जो बच्चों हिपेटोसाइट्स हैं और इनके बीच में ये कोशिकाओं के बीच में ये हमें रिक्त स्थान दिखाई देता है जिसको यकृत की कोटरिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये काम कैसे करता है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ये जो हिपेटिक सेल्स होती हैं इनकी ये जो ये बाहर वाली भित्ति है इसके साथ में बच्चों लगी हुई कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनको कि हम कुफुर कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कुफुर कोशिकाएं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रही हूँ ये ब्लू कलर से, देखो ये ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर उपस्थित होती हैं। क्या नाम है इन कोशिकाओं का, कुफर कोशिकाएं। ये कोशिकाएं बच्चों भक्षाणु की तरह काम करती हैं, यानी कि ये एक तो अगर यहाँ लीवर तक कोई इन्फेक्शन पहुंचा है, जीवाणु पहुंचा है, तो उसका भक्षण कर लेगी, उसको नष्ट कर देगी। और दूसरा बच्चों जो हमारे ब्लड में हम जानते हैं रेड ब्लड सेल्स की उम्र कितनी होती है, 120 दिन, तो जो डेड आरबीसीज यहाँ तक पहुँच रही है उसको भी ये नष्ट कर देगी, ब्लड में से साफ कर देगी। अब देखो ये लोब्यूल काम कैसे करता है, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं यकृत धमनी के पास में। देखो ये है हमारी यकृत धमनी। ठीक है, यकृत धमनी क्या कर रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पहुंच रही है, तो यहाँ पर यकृत की कोठरियों में ये पहुंचेगी इस तरह से। और उसके बाद में यकृत निवाहिका शिरा क्या कर रही है, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लेकर यहाँ तक पहुंच रही है। अब ये ब्लड जब यहाँ से यकृत कोठरियों में से होकर इस सेंट्रल वेन तक पहुँचता है, केंद्रीय शिरा तक पहुँचता है, तब तक इसमें से बहुत सारे पोषक पदार्थों का और ऑक्सीजन का प्रयोग यकृत की हिपेटिक कोशिकाएं कर लेती हैं और वो इनसे क्या क्या काम करती हैं वो अपन अगली स्लाइड में देखेंगे। तो कुल मिला के अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि यकृत की धमनी और ये निवाहिका शिरा ये जो ब्लड लेकर आ रही है ये ब्लड जब तक सेंट्रल सेल तक सेंट्रल वेन तक पहुंचता है तब तक इसमें से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ये हिपेटिक सेल्स यूज कर लेती हैं। ठीक है, और ये हिपेटिक सेल्स क्या करती हैं, ये जो बच्चों हिपेटिक सेल्स होती हैं यहाँ पर ये कोशिकाएं वो बनाती हैं अपना बाइल जूस बनाती हैं। और जो बाइल जूस यहाँ पर बनता है बच्चों वो बाइल जूस निकलता कैसे है और पहुँचता कैसे है उसको अपन देखते हैं। तो ये बाइल जूस इन कोशिकाओं ने बनाया, तो यहाँ से ये हर कोशिका में से बाइल जूस बाहर निकलेगा। और यहाँ पर बच्चों छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, ये नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स इस बाइल जूस को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके कहाँ पहुँचा देती हैं, ये जो पित्ताशय की शाखा है, पित्तवाहिनी की शाखा हमारे पास में, इसके पास में पहुँचा देती हैं। और यहाँ से जो पित्त रस या बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में एकत्रित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से पित्ताशय बाहर निकल जाएगा, बहुत सारा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन हिपेटिक सेल्स ले लेंगी, यकृत की कोशिकाएं ले लेंगी और बहुत सारे काम करेंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यकृत क्या क्या काम करता है। तो पहला काम देखो, यकृत जो है वो पित्त का निर्माण कर रहा है। पित्त क्या है, ये हरे रंग का एक क्षारीय तरल पदार्थ है, इसमें बहुत सारे पित्त लवण पाए जाते हैं। तो कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, तो बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टेरोकोलेट, ये सब पित्त लवण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। पित्त वर्णक भी ये बनाता है, पित्त वर्णक इसमें जो मुख्य रूप से बनते हैं वो बच्चों हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। पित्त वर्णक का निर्माण, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ना, पित्त वर्णक किससे बनते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। और दो पित्त वर्णक मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं, वो है बिली वर्डिन और बिली रूबिन।
ठीक है। और ये जो पित्त रस होता है बच्चों, ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट चलते हैं यकृत के दूसरे काम के ऊपर। तो दूसरा काम है बच्चों ग्लाइकोजेनेसिस। अगर हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारा यकृत क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के कोशिकाओं के अंदर संचित कर लेता है, ठीक है। और ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसमें बच्चों क्या होता है, अगर हमारा जो रक्त सप्लाई हो रहा है, अगर उस रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत के अंदर जो संचित ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में यकृत की कोशिकाएं बदल देती हैं। ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। थर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का जनरेशन। तो यहाँ बच्चों क्या होता है कि फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड्स इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। कब किया जाता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये विटामिन ए का संश्लेषण व संचय करता है, विटामिन B12 और डी का संचय करता है, यूरिया का निर्माण करता है, हिपेरिन का निर्माण करता है। यहाँ पर बच्चों ये नाम याद रखना है, हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन बच्चों रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, ये याद रखना, ठीक है। रक्त को जमने से रोकने का काम इस हिपेरिन का होता है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन का निर्माण। इन दोनों प्रोटीन्स का क्या काम होता है, जब कहीं पे हमारे बॉडी में रक्त ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो रक्त का थक्का जमता है, तो रक्त का थक्का जमाने में इन दोनों प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बच्चों लास्ट यकृत के कार्य में हम देखें तो भ्रूण अवस्था में ये रुधिर का उत्पादन करता है, जबकि वयस्क अवस्था में ये लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करता है। कौन सी, मृत जो डेड है RBCs उनको ये नष्ट करता है, ठीक है। तो ये थे यकृत के कार्य। अब चलते हैं लास्ट ग्रंथि के ऊपर, अग्नाशय ग्रंथि। बच्चों अग्नाशय ग्रंथि की जिसको हम पैंक्रियास भी कहते हैं, और इसको हम याद कैसे रखते हैं कि डायबिटीज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, तो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका हेड है और ये इसका टेल पोर्शन है अग्नाशय ग्रंथि का, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस ग्रंथि के अंदर ये एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको हम अग्नाशयी नलिका या पैंक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। ये अग्नाशय ग्रंथि बच्चों एक मिश्रित ग्रंथि है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित हैं वो जो ग्रंथियां बना रही हैं वो बहिस्त्रावी भी है, एक्सोक्राइन, और वो अंतःस्त्रावी भी है यानी कि एंडोक्राइन भी है। तो ये दोनों तरह के ग्रंथि की तरह काम करती है, इसीलिए हम इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें बहिस्त्रावी की सबसे पहले हम बात करेंगे, तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखो कुछ इस तरह की कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है, ये कोशिकाओं के समूह हैं, और ये जो कोशिकाओं के समूह हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो केमिकल बनेगा उसको ये इस तरह से वाहिनियों के माध्यम से इस अग्नाशयी जो डक्ट है हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब इसमें यानी कि ये जो कोशिकाओं के समूह हैं इनमें क्या उपस्थित है, नलिका उपस्थित है, तो ये नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। तो नलिका युक्त ग्रंथियों को हम बच्चों बहिस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और इन कोशिकाओं के समूह का नाम होता है एसिनाई, ACINI, एसिनाई, ठीक है। और दूसरे देखो, दूसरे कौन से समूह यहाँ उपस्थित होते हैं, दूसरे बच्चों इस तरह के कोशिकाओं के समूह यहाँ पे बिखरे हुए पाए जाते हैं अग्नाशय ग्रंथि के अंदर। इसके अंदर भी बहुत सी तरह की अलग अलग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये जो बच्चों समूह है ये कहलाते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह, लैंगर
हैंस द्वीप समूह। इसके अंदर बच्चों तीन तरह की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अच्छा आप यहाँ पे गौर करो, इनके रस को ले जाने के लिए कोई भी ग्रंथि नहीं है, कोई भी नलिका यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ये लैंगरहैंस द्वीप समूह को इस तरह की ग्रंथियों में आ गए, ये आ गए हमारे अंतःस्रावी में। और इसके अंदर तीन तरह की कोशिकाएं उपस्थित होती है बच्चों, एक है अल्फा सेल, दूसरी उपस्थित होती है इसके अंदर बीटा सेल्स, और तीसरी उपस्थित होती है इसके अंदर गामा सेल्स। ये जो बच्चों अल्फा सेल्स होती है ये स्रावित करती है ग्लूकागॉन, ये एक हार्मोन है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरा बीटा सेल्स ये स्रावित करती हैं इंसुलिन को, और जो गामा सेल्स होती हैं बच्चों ये भी बहुत से हार्मोन्स निकालती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण होता है गैस्ट्रिन, और एक ये निकालती है हार्मोन सेरोटोनिन, और तीसरा ये निकालती है सोमेटोस्टेनिन। तो ये तीन तरह के हार्मोन्स हमारी जो गामा सेल्स हैं ये स्रावित करती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा टॉपिक कवर होता है, जिसमें अपन ने कवर किया पाचक ग्रंथियों को। तीनों ग्रंथियों की हमने बात करी, सबसे पहले लार ग्रंथियां, उनकी पोजीशन और लार का क्या काम है। फिर हमने कवर किया यकृत, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, और वो लोब्यूल कैसे काम कर रहा है, यकृत क्या क्या काम कर रहा है। और फिर हमने कवर किया अग्नाशय ग्रंथि को, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इसके साथ बच्चों ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेकर आएंगे वो है मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। नोट्स बनाना, डायग्राम्स बनाना, ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।